हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू पूसा क्लासेस दिस इज आवर लेक्चर नंबर फाइव इस लेक्चर में भी हम एक डेरिवेशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है अब आपको पता है कि जिस टाइम भी डायपोल मोमेंट हमने चैप्टर वन में निकाला है पी ई साइन थीटा हमने एक टॉर्क का फॉर्मुला निकाला था जिसमें डाइपोल मोमेंट वी होता था क्यू इन टू एल ये हमने चैप्टर वन में कर लिया है जिसमें हमने टॉर्क का फॉर्मूला यूनिफॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना होता था अब वो कहता है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इसमें एक डाइपोल है जो किसी एंगल पर दे रखा है तो वो कहता है ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा ठीठा द एंगल ठीक है तो अगर ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ठीक है अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है मैं बहुत शॉर्टली बता रहा हूँ आपको तो ये जो है प्लस चार्ज है इसी डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी एफिक्वल्स टू क्यू ही लगेगी और इसके अगेंस्ट ये नेगेटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो माइनस ऑफ क्यू ही लगेगी कि डाइपोल जो है ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं इनके साथ एक एंगल बनाता है दैट इज़ थीटा जैसा यहाँ पर गिवन है तो ये जो डाइपोल है ना इसकी टोटल लेंथ है टू एल तो मैंने यहाँ पर इमेजिनरी राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है जिसके कारण मैं अब यहाँ पर अब जो इस पे इसके थ्रू मैं क्या निकाल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट का नाम मैंने ए दे दिया है इसका बी और इस परपेंडिकुलर पॉइंट का नाम सी ठीक है तो बी सी जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो कहता है लेटर्स कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई विद इट्स डायपोल मोमेंट पी मेकिंग एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड आई होप यहाँ तक क्लियर होता है अब ये कहता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज जैसे ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं एक्स इन टू डायरेक्शन दैट इज़ प्लस क्यू हुई एंड माइनस क्यू हुई एक अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड एक अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो दे फॉर्म टॉर्क तो ये टॉर्क क्रिएट कर देती हैं तो टॉर्क क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कहता है ये पी साइन थीटा कैसे आया कहता है आपको पता है टॉर्क किसके बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स किसके बराबर है क्यू ई यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका दैट इज बी सी तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी सी ठीक है आपको पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाईपोर्ट तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बी सी और हाईपोट कितना है टू एल तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाती है टूवेल्व साइन थीटा जिसके कारण यहाँ पर टूवेल्व साइन थीटा लिखा गया है तो क्यू इंटू टूवेल्व साइन ठीटा आपको पता है क्यू इंटू टू एल्व जो होता है वो किसके बराबर है पी और ई साइन थीटा ये बन गया तो ठीक है तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि क्यू इन टू एल जो सर ने बताया था वो पी की बराबर होता है ठीक है बेटा तो यहाँ पर जो निकल के आएगा इफ़ द इफ़ द डाइपोल अब इसको मैं रोटेट करता हूँ अब ये ऐसे रखा हुआ है कुछ टाइम बाद इसको मैं ऐसे हर का सा रोटेट करूँगा तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा डी ठीटा तो रोटेशन के कारण यहाँ पर टॉर्क क्रिएट होती है और स्मॉल वर्क डन करता है इफ द dipole इज रोटेटेड विद एन एंगल डी theta अगेंस्ट द टॉर्क देन द स्मॉल वर्क डन कितना लगेगा डी डब्ल्यू टॉर्क इंटू डी ठीटा आपको पता है ना वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स यहाँ पर किसका काम कर रही है टॉर्क का काम कर रही है डिस्प्लेसमेंट कितनी है एंगल के टर्म्स में डी theta कहता है ये डी theta कैसे बनाए मुझे ये भी समझा दीजिए तो कहता है डायपोल पहले ऐसे रखा हुआ था इस पर फोर्स लग रही थी माइनस की हुई यहाँ पर लिखी हुई थी प्लस की हुई तो जिस टाइम ये हल्का सा रोटेट होता है तो ये यहाँ पर बनता है डी थीटा बी द एंगल स्मॉल एंगल डी थीटा ठीक है बेटा तो ये जो है टर्निंग इफेक्ट देगा ऐसे करके ठीक है ना तो ये एक फोर्स को क्रिएट कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड टॉर्क ओके तो यहाँ पर जो है वर्क डन हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ फोर्स कित का टॉर्क इंटू डी ठीटा टॉर्क की वैल्यू इक्वेशन वन से ले लेंगे दैट इज पी साइन थीटा डी थीटा तो इंटीग्रेट कर देंगे हम बोथ साइड्स तो यहाँ पर जो वर्क डन निकल के आएगा तो साइन ठीटी का थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज़ माइनस कॉस थीटा पी हमने बाहर निकाल लिया तो थीटा वन से थीटा टू तक मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मैंने क्या देखा तो पहले थीटा टू पोट कर देते हैं फिर थीटा वन करते हैं फिर माइनस का साइन अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ पर जाएगा माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस दैट इज़ कॉस थीटा वन माइनस ऑफ कॉस थीटा टू अगर आपके पास मैथ्स है तो प्लीज़ इसको ध्यान से करिए तो कहता है दिस वर्क डन इज़ स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू ठीक है अब वो कहता है स्पेशल केस है इफ़ थीटा वन नाइन्टी हो जाए थीटा वन नाइन्टी हो जाए और थीटा टू कितना जाए थीटा तो कॉस नाइन्टी होता है जीरो और कॉस ठीटा टू को मैंने थीटा लेट कर दिया तो माइनस पी ई कॉस तो ए डॉट बी क्या होता है ए बी थीटा तो इसको पी डॉट ई के टर्म्स में भी लिखा जाता है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी आई रिक्वेस्ट है कि अब इस वाले जो हमने ये वाली जो डेरिवेशन करी है बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे नोमेरिकल्स हम करेंगे तो अभी तो इसको याद करेंगे फिर बाद में हम इसके नोमरिकल्स भी डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच